नमस्कार किशन भाई, आपके अपने चैनल रमाकान एग्री फार्म में सभी किशन भाई को बहुत बहुत स्वागत है। किशन भाई, मेरा मकान परखने आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश मंसूर मंडी अपडेट की सटीक जानकारी। किशन भाई, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो किशन भाई, सबसे पहले बात कर ले मक्का की। तो मक्का का जो भाव रहा 2240 रुपये से 2320 रुपये प्रति क्विंटल रहा। साथ ही उड़द का भाव 2000 रुपये से लेकर 3700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। साथ ही बात कर ले सोयाबीन की, 6000 रुपये से लेकर 7325 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला। आगे चल के बात कर ले किशन भाई, गेहूँ की 2050 रुपये से 2380 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें मंसूर मंडी में गेहूँ देखने को मिला। चना की बात कर ले 4054 रुपये से लेके 4626 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें चना देखने को मिला। मसूर 5601 रुपये से 6641, धनिया 7000 से लेकर 11200 और साथ ही बात कर ले लहसुन की 700 रुपये से 8700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें लहसुन देखने को मिले। मेथी की बात कर ले किसान भाई, 4000 से लेकर 6600 रुपये प्रति क्विंटल रहा और अलसी की बात कर ले 6500 रुपये से 7280 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मेथी देखने को मिली। वहीं सरसों की बात कर ले 6100 रुपये से लेकर 6331 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं तारामीरा की बात कर ले 5100 रुपये से लेकर 2320 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला। और इसबगोला की बात कर ले 7800 रुपये से लेकर 13900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और साथ ही प्याज की बात कर ले 50 रुपये से स्टार्ट होकर 811 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें प्याज देखने को मिला। वहीं कलौंजी की बात कर ले 12500 से 14951 रुपये प्रति क्विंटल और डालर चना 6301 रुपये से लेकर 8500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें मंसूर मंडी में देखने को मिला। और किसान भाई, ये थी मंसूर मंडी अपडेट। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बने रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।